दोस्तों हर साल दिवाली पर कुछ एडवर्टाइजमेंट रिलीज होते हैं, कुछ बेहद अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से विवाद खड़ा हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विवादित एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में दिखाएंगे आपको एक खूबसूरत सा एडवर्टाइजमेंट जो आपको दीपावली का असली मतलब सिखा देगा और सिखाएगा कि आखिरकार एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आमिर खान का इस समय टाइम अच्छा नहीं चल रहा। पहले एक समय था जब वो किसी भी चीज को छू लेते थे वो सोना बन जाती थी, लेकिन आजकल वो जिस भी चीज को छू लेते उस पर बवाल खड़ा हो जाता है। अब नया विवाद खड़ा हुआ है उनका AU फाइनेंस बैंक के एक एडवर्टाइजमेंट पर। इसमें दिखाया गया है कि एक लड़का घर जवाई बनकर अपने ससुर के घर पे रहने जा रहा है, जिसमें आमिर खान इसे रेवोल्यूशनरी कदम बता रहे हैं। लेकिन विवाद उनके एक डायलॉग की वजह से है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि सदियों से जो प्रथा चलती आ रही है वैसी ही चलती रहती है। ऐसा क्यों? जब लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा तो सोशल मीडिया पर हल्ला कटने लगा। लोग सवाल पूछने लगे कि आमिर खान सिर्फ हिंदू धर्म को रिफॉर्म करने में क्यों लगे हुए हैं, आखिर क्यों वो सिर्फ हिंदू धर्म की गलतियां ढूंढते फिरते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले देख लेते हैं ये एडवर्टाइजमेंट। पहली बार हुआ है कि विदाई हो गई और दुल्हन रोई नहीं। रोए तो तुम भी नहीं। पहला कदम कौन रखेगा? इस घर में नया कौन है? नया तो मैं ही हूँ, मतलब वेलकम दामाद एंड थैंक यू इतना बड़ा कदम उठाने के लिए। सदियों से जो प्रथा चलती आई है वही चलती रहती है, ऐसा क्यों? तभी तो हम पूछते हैं सवाल बैंकिंग की हर प्रथा से, ताकि आपको मिले बेस्ट सर्विस। AU बैंक, बदलाव हमसे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आमिर खान के साथ किसी एडवर्टाइजमेंट की वजह से पहली बार बवाल हुआ है। इससे पहले भी वो रोड पर पटाखे ना चलाने की सलाह देकर फंस गए थे, जिसमें लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार क्यों वो सिर्फ हिंदू धर्म के त्योहारों का मजाक उड़ा रहे हैं और क्यों सिर्फ हिंदुओं के फेस्टिवल को ना मनाने की सलाह देते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को जरा आप भी देख लीजिए। अनार बॉम्ब, सुतली बॉम्ब, चकर गिन्नी, आज अगर हमारी टीम छक्के छुड़ाती है तो हम भी पटाखे छुड़ाएंगे, लेकिन कहाँ? सोसाइटी के अंदर, रोड, गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। एक दिन हम ऐसे समझदार होंगे, पर तब तक के लिए स्विच टू सीएट सिक्योरा ड्राइव। सीएट, इट हेल्प्स। ऐसा नहीं है कि आमिर खान को ही उड़ता तीर लेने का शौक है। एक बार टाटा के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाया था जिसके बाद लोगों ने लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताया था। दरअसल एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया था कि एक हिंदू लड़की जो मुस्लिम घर में ब्याही हुई है उसकी गोद भराई का कार्यक्रम चल रहा है। विवाद इतना बड़ा कि तनिष्क ने ये विज्ञापन वापस ले लिया था। आप भी देखिए ये विवादित विज्ञापन। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपने पन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे। एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। वाह, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना? एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि खूबसूरत विज्ञापन बनाए नहीं जा सकते। कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार देखने का मन करता है और एक स्टोरी टेलिंग वाली कैपेसिटी उनमें होती है। दीपावली पर रिलीज हुआ ये जबरदस्त विज्ञापन हर किसी का दिल मोह लेता है। आप भी जरूर देखिए ये वीडियो और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि क्या जानबूझकर कंपनीज एक विवाद खड़ा करती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। निकले जो तुम आज घर से फरमाइशों की फेहरिस्त साथ लेके, बटुए में बंद करके वो नोट हजार, तुम निकले भरी दोपहरी खरीदने बाजार। माँ दिए? हाँ जी ले। इस चकाचौंध इस धक्का मुक्की में
शायद तुम लेना भूल गए। ये कच्ची मिट्टी के पक्के दिए तुम साथ ले जाना भूल गए। अम्मा दिए देना। भूल गए बचपन में कैसे इनसे घर रोशन करते थे। तुम जिद करके बार बार दो दिए ज्यादा लिया करते थे। हैप्पी दिवाली। अरे लल्ला, जब तक ये सब बिक ना जाए काहे की हैप्पी दिवाली। अरे तू रहन दे लल्ला, अब तू मेरी छोड़, खुश रह खुश रह। ये ले ये तो रख ले। थैंक यू अम्मा। और आप फिकर मत कीजिए, सारे दिए बिक जाएंगे। बाय। इसी आस की मिट्टी लेकर मैं आशा के दिए बनाती हूँ और हर दिवाली जर्रा जर्रा मैं इसी बाजार बिखर जाती हूँ। से बाद वो आज फिर यहाँ आया है। सालों बाद उसने इन दियों को गले लगाया है। बुझ गई थी उम्मीद की जो आखिरी मशाल, इस दिवाली किसी ने उस अंधेरे में एक हल्का सा दिया जलाया। अम्मा दिए। अरे अब एक भी दिए ना बचे लल्ला। कहा था ना अम्मा, सारे दिए बिक जाएंगे। इस दिवाली आप भी उम्मीद का एक दिया जलाएं, किसी और की दिवाली को भी रोशन बनाएं। हैप्पी दिवाली। दोस्तों आमिर खान की वजह से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उबाल मचा हुआ है। जब से उन्होंने बताया है कि उनकी पत्नी को इस देश में डर लगता है, तब से लगातार कई लोगों के द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने अब अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया, इसके बावजूद भी लोग उन्हें इनसिक्योर फील करवाते रहते हैं। जोक सपाट, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।